पीएम मोदी माल्या के मामले को लेकर के पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जेटली जी ने इस पे बोला भी है कि हाँ, अगला सामने वाला मेरे से मिलना चाहा लेकिन हम बात नहीं किए। वहीं पीएल पुनिया का इस पे सीधा जवाब आता है कि अगर मेरी बात गलत हुई तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। उसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये इसमें कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि लुकआउट सर्कुलर को क्यों बदला गया? लुकआउट सर्कुलर में ये हिदायत थी कि उसको रोका जाए, बाहर ना जाने दिया जाए। उसको बदल के ये कहा गया कि सिर्फ इन्फॉर्म किया जाए। ये कैसे हुआ? और फिर सरकार को जब बताया उन्होंने उसी दिन कि आप, मैं जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, फिर भी सरकार को कोई कार्रवाई नहीं की। और सिर्फ लंदन जा नहीं रहा हूँ, किसी मीटिंग के लिए नहीं, पता नहीं 50 या 70 सूटकेसेस लेके गए हैं, फिर भी किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। तो ये ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ, ना तो जिसने लुकआउट सर्कुलर के बदला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना जिन लोगों ने को पता चलने के